गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हमारी नेट इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास है वो थोड़ी देर डिस्टर्ब हो गई थी, और चूँकि अब इंटरनेट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है तो हम अपनी क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बस की यात्रा और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने हमें बस की यात्रा में यह बताया है कि जो बस के मालिक होते हैं वो अपनी बस की खराब हालत की और दयनीय स्थिति को नहीं देखते हैं और वे ऐसे ही उन्हें सड़कों पर चलाते रहते हैं। उन्हें यात्रियों की जान की जोखिम का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। वो इस मामले में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते हैं और लापरवाही करते हुए सड़क पर कितनी भी बुरी हालत में बसें हों उनको चलाते रहते हैं। तो इसी पाठ में, बस की यात्रा में, हरिशंकर परसाई जी ने हमें बस के बारे में ही बताया है, और एक व्यंगात्मक निबंध है जिसमें बस के पर व्यंग किया गया है और बस के मालिकों पर व्यंग किया गया है कि कितने यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर वो अपनी खराब स्थिति में भी, बस की खराब स्थिति में भी बस को चलाते रहते हैं। तो बस की यात्रा में जो, इसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप जब लोग चैप्टर अपना करो तब उसमें जो शब्दार्थ दिए होते हैं वह भी आप लोग कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे अपनी बस की यात्रा है उसमें जो शब्दार्थ हैं कि जैसे निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है कारण या साधन, निमित्त का अर्थ होता है कोई कारण या साधन। गोता, डुबकी लगाना, गोता लगाना यानी डुबकी लगाना। इत्तफाक, इत्तफाक का मतलब होता है संयोग। बियाबान, बियाबान का मतलब है जंगल या उजाड़खंड। बियाबान यानी कहते हैं ना कोई सुनसान जगह हो, जंगल हो, से कहते हैं बियाबान। और अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब होता है मृतक कर्म या दाह कर्म। अंत्येष्टि का मतलब होते हैं जो मृत्यु के बाद जो किए जाने वाले जो क्रियाक्रम है उसे हम कहते हैं अंत्येष्टि या मृतक कर्म या दाह कर्म। फिर है प्रयाण, प्रयाण का अर्थ है प्रस्थान करना या मरना। ऐसे कहते हैं ना कि वह व्यक्ति, फला व्यक्ति है वो प्रयाण कर गया यानी प्रस्थान गया, कर गया या मर गया। बेताबी का अर्थ होता है बेचैनी, बेताबी का अर्थ होता है बेचैनी। तो आप जब लोग भी अपना पाठ नोटबुक में करते हो तब पहले उसके शब्दार्थ है वह कर लिया करो, ताकि आपको उस शब्द का अर्थ पता रहे और आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो स्टूडेंट सभी अपने हाथ में पेंसिल निकाल लीजिए, हम अपनी जो पाठ है उस बस की यात्रा उसका अध्ययन करते हैं। हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। कितने मित्रों ने तय किया कि हम शाम की चार बजे की बस से चले? पांच मित्रों ने। और कितने बजे की बस से चले? शाम 4 बजे की। तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से इस कंपनी की, जो पन्ना है एक जगह का नाम है, वहाँ से इस कंपनी की बस है वो सतना के लिए, ये भी एक जगह का नाम है, के लिए घंटे भर बाद में मिलती है। यानी पन्ना से सतना के लिए जो बस है वो कितने देर बाद में मिलती है? घंटे भर बाद मिलती है। इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे कि पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जो कहाँ की ट्रेन मिला देती है? जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे, हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था। वो जो पांच मित्र है वो बस की यात्रा कर रहे थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम सुबह घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो पांच मित्र थे, पांच में से दो जो थे
दो मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी उनको काम पर जाना था, कहीं वो काम कर रहे होंगे और काम पर उन्हें हाजिर होना था। इसीलिए हाजिर होना यानी वहाँ पर काम पर उपस्थित होना, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लोगों ने सलाह दी, लोगों ने क्या सलाह दी कि समझदार आदमी हैं वो शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते, कि जो समझदार आदमी होगा वो शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते हैं, नहीं बस डाकिन है। कि क्या, तो दूसरे ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो वो कहते हैं नहीं बस डाकिन है। बस डाकिन से मतलब कि बस है वो जंजर अवस्था में है, उसकी जीर्ण शीर्ण हालत है, बस कहीं भी खराब हो सकती है और उसकी किसी भी कोई भी स्थिति, विकट स्थिति हमारे सामने आ सकती है। तब वो कह रहे हैं कि जो समझदार आदमी होते हैं, लोगों ने सलाह दी, वो शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। अब हमारा प्रश्न यह भी बन रहा है कि लोगों ने क्या सलाह दी, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते, इसको अंडरलाइन करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने जो अभी एक पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से हमारे तीन प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न बना कि कितने मित्रों ने तय किया कि हम बस से चलेंगे, तो 5 मित्रों ने तय किया कि वो शाम 4 बजे वाली बस से चलेंगे। फिर पन्ना से सतना के लिए बस है, वो कितने बाद में मिलती है? तो पन्ना से सतना के लिए घंटे भर बाद में बस मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से है वो मिला देती है। फिर अपना तीसरा प्रश्न बना कि लोगों ने शाम वाली बस में सफ़र करने के लिए क्या सलाह दी, तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी हैं इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो हमारे तीन प्रश्न बन गए। अब हम आगे पढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, बस को देखते श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि बस थी वो खूब वयोवृद्ध थी। खूब वयोवृद्ध से मतलब उस वो जैसे एक व्यक्ति होता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था ढलती है वैसे वैसे वो बूढ़ा होता जाता है, उसे बुढ़ापा घेर लेता है। वैसे ही वो बस थी, उसकी बहुत पुरानी थी वो एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में थी, उसकी जंजरित हालत हो चुकी थी उसकी। इसलिए वो लेखक कह रहे हैं उसको देख के श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्यों? हम किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं और उसकी हालत जब ख़राब होती है तो हमारे मन में उसके लिए एक आदर का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक रिस्पेक्ट का भाव आ जाता है कि ये आदमी है, वो बुज़ुर्ग है, इससे काम नहीं हो रहा और फिर भी ये काम कर रहा है, तो अपने आप ही स्वाभाविक है हमारे मन में श्रद्धा आ जाती है, बशर्ते कि आप दयालु हो। तो वैसे ही जब लेखक ने बस को देखा तो उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि जो बस थी वो खूब वयोवृद्ध थी। अंडरलाइन करेंगे हम इसको कि लेखक को बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि बस खूब वयोवृद्ध थी। इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, वह खूब वयोवृद्ध थी। ये इसको हम ऐसे नहीं लिखे, अपनी भाषा में लिखेंगे कि बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि बस है वो खूब वयोवृद्ध थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी यानी वो बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी थी, खूब वयोवृद्ध हो चुकी थी। उसके जैसे जैसे आदमी बड़े होते हैं उसके साथ एक्सपीरियंस अनुभव है वो साथ साथ जुड़ते जाते हैं, वैसे ही ये जो बस थी वो खूब चली हुई थी, सड़कों पर खूब चली हुई थी, उसके खूब अनुभव थे, इसलिए कह रहे हैं कि वो सदियों के अनुभव साथ लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग उसमें सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि
उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, यानी एक जो व्यक्ति है जब वो बूढ़ा हो जाता है और हम उसे कहीं भी चलने के लिए कहते हैं या कोई भी काम के लिए कहते हैं, तो अगर हमारे मन में दया का भाव है तो हमें ऐसे होगा कि नहीं, हमें इन्हें नहीं कहना चाहिए कोई भी काम, बल्कि हमें वो काम कर देना चाहिए क्योंकि ये बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तो वैसे ही जब लोगों ने, जब उसकी जो हालत थी, बस की जो वो हालत देखते थे, तो उसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि इसे वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? वह बस किसके लिए योग्य थी? पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता? यानी हम कोई भी वयोवृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वो एक प्रकार की उनकी सेवा ही होती है, पूजा ही होती है बुजुर्ग लोगों की। तो वैसे ही वह बस थी, वह वयोवृद्ध थी और वह पूजा की योग्य थी, यानी चलने लायक नहीं थी, उस पर कैसे सवार हुआ जा सकता था? अब अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि वह बस किसके योग्य थी, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, वह बस पूजा की योग्य थी। अपने जो टिक द करेक्ट ऑप्शन या वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह बस किसके योग्य थी, ऐसे पूछ लिया, फिर आपको ऑप्शन में क ख ग घ दे दिए कि पूजा के योग्य थी या नहीं थी, सफ़र करने लायक थी या नहीं थी, इस प्रकार के ऑप्शन में आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं जिसे आपको सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए जो मैं चीज़ अंडरलाइन करवा रही हूँ, मेरा आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि उनको आप बार बार पढ़िएगा और उनको याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आगे पढ़ते हैं, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस जो बस कंपनी के एक हिस्सेदार थे वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है क्या? तो बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे, जो बस कंपनी थी उसमें किसी का हिस्सा होगा और वो हिस्सेदार थे, वो भी उसी बस से जा रहे थे, तो हमने उन पांच मित्रों ने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है क्या, कि ये बस चलती भी है क्या? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो वह बोलता है कि चलती क्यों नहीं जी, देखना बस अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है, हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो वो मित्रों ने कहा कि हम भी यही देखना चाह रहे थे कि यह अपने आप चलती है क्या। तब वो कहती है, हाँ जी चलती है, कैसे नहीं चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से में गोद में लेकर चलेगी। हम आगा पीछा करने लगे। जो मित्र थे वो कह रहे हैं कि हम अब आगा पीछा करने लगे। फिर डॉक्टर में उनके जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, कि इस बस में बैठने से आप डरो मत, क्योंकि ये बस है वो अनुभवी है, यानी ये अनुभव लिए है कि किस तरीके से इसको रास्ता है वो पार करना है, तो इसमें हमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, कि ये डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। ये नई नवेली जो बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, कि यह बस है वो नई जो बसें हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें डरना नहीं चाहिए, हम इसे प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। हम बैठ गए, उसमें लेखक कह रहे हैं कि हम बैठ गए और जो हमें छोड़ने आए थे वे हमें इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। लेखक जब
उसकी बस की यात्रा कर रहे थे और उसमें बैठने के लिए आए, और जो लोग उनमें जब वो बैठ गए और उन्हें जो छोड़ने आए थे, जो लोग उनको विदाई देने के लिए आए थे, वो उन्हें इस तरह देख रहे थे जैसे कि अंतिम विदाई दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। ये वैसे ही ये एकदम शाश्वत सत्य है कि जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। तो वो कह रहे हैं लेखक, वो पांच मित्र हैं, वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जो हमें छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हो। उनको ऐसे क्यों लगा? उनको ऐसे लगा क्योंकि बस की हालत बहुत ही खराब थी और उन्हें ऐसे लग रहा था कि ये सही सलामत है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे या नहीं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक, वो जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जब हमने बस को देखा तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बस चलेगी क्या, लेकिन जब हम उसमें बैठ गए और जब जो ड्राइवर था उसने बस को जब स्टार्ट किया तो इंजन है वो सचमुच ही स्टार्ट हो गया और ऐसे लगा जैसे सारी बस ही इंजन है, कि जैसे सारी बस है इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, कि जो कांच थे वो बहुत ही कम बचे थे और जो बचे थे उन्हें वो कह रहे हैं कि उनसे हमें भी बचना था क्योंकि कांच कहीं कहीं टूटे हुए थे और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे बस चलेगी तो वो टूट कर हमारे ऊपर गिर जाएंगे, इसलिए जो बचे थे उसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, कि हम फौरन है वो खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के के नीचे इंजन है, कि इंजन चल रहा था, इंजन है वो चल रहा था तो हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। क्यों? क्योंकि सारी बस थी वो जंजरित हालत में थी और बस है वो एकदम से आवाज़ कर रही थी, तो वो मित्र कह रहे हैं कि हमें ऐसे लगा जैसे कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से वसंत के चैप्टर 3 से इतना ही अध्ययन करेंगे। शेष भाग है वो अगले सप्ताह है, इसका अध्ययन करेंगे। अगर इसको में आपको कोई बात नहीं समझ नहीं आई हो तो आप में से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? मैम, यह नोटबुक में करने हैं क्या जो आपने अंडरलाइन करवाए हैं? नोटबुक में तो रहने दीजिए, लेकिन आप इनको एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, उनको बार बार पढ़िएगा तो आपको, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। मैम, सेकंड चैप्टर के भी नहीं करने हैं क्या? हाँ, सेकंड चैप्टर का नहीं, आपको ऐसे ही लिखना है, और आप करना चाहो तो कर भी सकते हैं। ओके मैम, ठीक है। और कुछ? मैम, करना जरूरी नहीं है ना? क्या करना जरूरी नहीं है ना? हाँ, ये करना जरूरी नहीं है, ये तो मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि छोटे छोटे प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। ओके मैम, ठीक है। और कुछ पूछना है बेटा? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।